तुम्हें जल्दी तो नहीं घर जाने की? मैंने भी एक दो दिन घर को नहीं जाना, चलो बैठे रहने को। तुम घर जाके फेस टू फेस गालियाँ सुन लेना, मैं फोन पे सुन लूंगा। अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जितने ज्यादा जोर जोर से हंसे लग रहा आप भी सुन के ही आए माशाल्लाह। कोई नहीं, इनकी सुननी चाहिए। सास नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनता, देवर जठानी को तुम ना सुनो तो फिर कौन सुनेगा? इनकी सुननी चाहिए और सुनकर बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा, जिंदगी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। बोलती रहना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू ठीक कह रही, क्या बात, बड़ी गलती की तेरी, बात पहले तेरी बात पहले मान लेनी चाहिए। यूँ जब सारी अंदर से उसकी गैस निकल जाए, सिलेंडर खाली हो जाए, फिर चूल्हा जलाओ, ठंडा ही होगा। अल्लाह लगा अल्लाह। तुमको हाथ भी सेकें और आग भी ना जलाए, ये तो नहीं हो सकता। औरत की मिजाज में पैदा हुआ कि जितना भी नर्म लहजा कर लो, प्यार कर लो, इसने उठते बैठते कहीं ना कहीं टेढ़ापन जरूर दिखाना। एक टेढ़ेपन को तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारे 100 टेढ़ेपन को ये बर्दाश्त करेगी। मगर ना इसे तो अल्लाह ने लगामें डाल रखी हैं, अगर ये अपनी आई पर आ जाए ना तो बंदे को गंदम की गोलियां खाने में मजबूर कर देती है। बचना। मौलवियों के घरों में झगड़े क्यों नहीं होते? होते हैं पर आवाज ही कोई नहीं आती। हर एक के घर के अंदर भांडे खड़कते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों के घर के अंदर भांडे होते ही नहीं है। खड़के का हमारी तनख्वाहों का म्यार इतना कोई नहीं, भांडे लेके आए तेरे से मांग तांग के अल्लाह कुछ गुजारा कर लेते। जरा माफ करना, मैं क्या करूं, उनमें जाके बैठ जाऊं? सुनो, इन्हीं के लिए तो बात कर रहा हूं ताकि सुबह आपका इनसे वास्ता पड़ेगा। तो मेरे लाडलो, बच बच के चलना है, साथ लेके चलना है। इनके सामने रो, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। इनके सामने हंसो, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। इनके सामने चुप रहो, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। मिसाल वही बाप बेटे की और एक गधे की। बाप बेटा जा रहे थे, गधा पास था, वो कह रहे अहमक लोग हैं, सवारी साथ है, पैदल चल रहे, दोनों बैठ गए। आगे का अहमक लोग हैं, इतनी सी जान पर दो बंदों का बोझ है। बाप ने रस्सी पकड़ ली, बेटे को बिठा दिया। लोग कहने कितना बेवकूफ़ ना फरमान है, खुद बैठा हुआ बाप को बिठा रखा है। बाप ने अपने बेटे को उतारा, खुद बैठ गया। उन्होंने कहा देख यार कितना बड़ा जालिम है, खुद बैठा बेटे से रस्सी खिंचवा रहा है। उन्होंने कहा करे क्या, दो ने एक ने दो टांगे पकड़ी, एक ने दो टांगे, गधे को कंधे पे उठा लिया। लोग कहने कितने बेवकूफ़ हैं, इसी पर बैठना चाहिए था, इसी कंधे पर उठा लिया। लोग जीने नहीं देते, इसलिए हंसा रहा हूँ कि मेरी भी नींद उड़े, थोड़ी सी आपकी भी उड़े। हंसने वाला मिजाज बनेगा तो रोने वाले मिजाज आवेगा, रोने वाला मिजाज बनेगा तो अल्लाह की याद का मिजाज आवेगा। जब दिल टूटता है फिर अल्लाह की मोहब्बत आती है, जब दिल का ढकना खुलता है फिर अल्लाह की मोहब्बत टप टप गिरनी शुरू होती है। बंदे एक औरत का मिर्गी का दौरा पड़ा एक औरत को, अब मेरी बहनों तुम नए बांधना शुरू कर देना। आज के बंदे ऐलान कराने में देर नहीं करते। वो मिर्गी का दौरा पड़ा औरत को, वो उठे ना, सादा दौर था, बंदे समझे इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ, रात का अंधेरा था, मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग थी, दौड़ दौड़ जनाजा, लोग इस तरह भाग भाग के लेके जाते हैं, पता नहीं फरिश्ता हमें ना पकड़ ले, छट गया। अंधेरा था अंधेरा था, चलते रहे, कलमा शहादत, तो जनाजे की चरपाई ना जाके खंबे में लगी। वो जहन पे जोर पड़ा, बीबी उठ के बैठ गई। जो कलमा शहादत कंधे पर जनाजा लेके जा रहा था वो हंसते हंसते रोने लग गया, मैं नहीं था ये सारे। अल्लाह की करनी, चंद दिन के बाद घरवाली का कुदरती अल्लाह की तरफ से इंतकाल हो गया। सारी दुनिया रात के अंधेरे में कह रही थी
कलमा शहादत कलमा शहादत। उसका घर वाला चरपाई को पकड़ के कह रहा था खम्बा बचा के खम्बा बचा के खम्बा बचा। तो ये मेरी बहनें बैठी है, मैंने अपना आप बचाना भी है बस। कभी कारी हनीफ से कहा ओ को ना सडामी आज तो बाद बटेर दे सानू अब्दुल शकूर पहले कोई नहीं मिले। कह रहे थे बटेर खिलाएंगे या तो बेर हमें कोई नहीं मिले, बटेर तो बड़ी दूर के बाद। तोनसे के इलाके में गया, उन्होंने कहा हजरत ऐसी सोबत बनी यूं बनी यूं बनी यूं बनी। जब खाने के लिए बैठे तो मेरे कान में कहने लगा तो गुजारा चा करो सोबत खत्म थी। आंखों के पार पार पानी इसलिए लगा रहा था, मैंने कान के खोल के बैठूं शायद किसी के दिल में 10-20 रुपए देने का ख्याल आ जाए। यकीनी बात आप बीती ऑन दी रिकॉर्ड है, मैं तकरीर कर रहा था और लोग पैसे दे रहे थे। एक बंदे ने सर से हाँ एक साई आके बैठ गया, एक साई आके बैठ गया। दो वाक्या थे कबीर वाले में मेरे साथ इस तरह हुआ। एक तो जमीन पर साई आके बैठ गया, पैसे इतने सारे थे और मुझे साई साई सा लगा। उसने सर से टोपी उतारी, सारे पैसे टोपी में डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा हमदर्द है इकट्ठे करके देगा। जब मैंने आँखें बंद करके दुआ की ना फिर मुझे साई नजर आया ना मुझे टोपी नजर आई। अल्लाह की कसम एक जगह बयान हुआ, जैसे बच्चे उस्ताद को हार पहनाते हैं, उस्ताद पास खड़े थे। एक बच्चे ने मुझे हार पहनाया, उसके साथ दूसरे ने पहना दिया, उस्ताद यूं देखे, तीसरे ने पहना दिया, चौथे ने पहनाने उस्ताद को थे पहना मुझे दिए उसको 10-10 वाले हार से। तो मेरे ख्याल से 6-7 हार बन गए। अब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया तो उस्ताद सब बड़े सयाने थे, उन्होंने सारे हार उतार के ना बगले में दबा दिए। फुल बुली तो मुझे भी मिच गई, दुआ वहाँ से इधर को शुरू होगी। मैंने कहा मुकद्दर में होंगे मिल जाएंगे। मैं यकीन जानो मैं शायद इस पर भी कसम उठाऊँ बदगुमानी, दुआ के बाद ना आज तक मुझे हार मिले ना मुझे उस्ताद मिला, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तुम ऐसा ना करना, तुम्हारी मेहरबानी, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। तो मुझे पीर जी ने कहा कि आप 4 बजे तक चलो। चलने 4 बजे तक भाई हैं, और ऊंचा बोलो जरा, और ऊंचा बोलो सुभान। देखो इतना बड़ा प्रोग्राम लाखों रुपया खर्च किया कारी साहब ने, कोई मकसद तो है ना यार इसका। अच्छा अब दुरूद शरीफ पढ़ने सारे, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना। एक और मुझे बात याद है, दुरूद शरीफ बाद में पढ़ाऊंगा। हमने फरमाया 4 बजे तक चलें, मैं कहा चलेंगे जज़ाकअल्लाह। हमने फरमाया 4 बजे तक चलेंगे, बंदा 4 महीने अल्लाह बरकत अता फरमावे। अरे पीर जी इंशाल्लाह कभी फारिग होने चलते हैं अल्लाह के रस्ते में, आप ही मजा लेगा। चलोगे इंशाल्लाह अल्लाह के रस्ते में साथ साथ? बल्कि पीर साहब से मैं कहूँ उमरे का ग्रुप बनाइए आप अल्लाह का नाम लेके, बड़ों के साथ उमरा करते हैं इंशाल्लाह। हज़रत की तरफ से अगर उमरा ग्रुप का ऐलान होगा तैयारी करोगे इंशाल्लाह ताला। बंदा आके है ना, मैंने 4 महीने की बात की, महाजिर बैठे नहीं, महाजिर बैठे हैं कितने के बैठे थे, रात खड़ा करियो। ओ माशाल्लाह माशा सारे माँ 4 महीने लगा के आया ना घर वाला। घर के अंदर 2 पूत थे, 1 छोरी थी घर के अंदर। आ रही समझ नहीं, जोर से बोलो आ रही समझ। आओ बीवी ने कहा सारा दिन तेरी खिदमत कर करके मैं थकी हुई, मैंने तो हाथ ना लगाइए थे। उन्होंने कहा ठीक है तो पड़ जा। 4 बजे उठा, तजुद तजुद पड़ी, फजर की अजान का वक्त हो गया। कहने करे सीध उठ नमाज पढ़। उन्होंने कहा बता पढ़ ले, मैं कल ने पढ़ूंगा। बशीर तय नमाज पढ़ ले। कब आज तय पढ़ ले, मैं कल को पढ़ूंगा। बेटी का नाम था बीबो, बीबो चल तहीं खड़ी हो जा। वह कहने लगी अब्बा कल तो पढ़ूंगी इंशाल्लाह ताला, तय पढ़ ले। उन्होंने कहा अपनी भी पढ़नी, रसीद की भी पढ़नी, बशीर की भी पढ़नी, बीबो की भी पढ़नी, किस तरह पढ़ूँ? मुसल्ले पकड़ होके कहने लगा 2 रसीद के 2 बशीर के, उठना बैठना बीबो का, मेरा अल्लाह अकबर।
क्या कर रहा मलिक? अहमद गंजेड़ा बबर, गंजेड़ा अहमद बबर, बच्चे बाहर खड़े रो रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे, हसा भी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आके एक बाजार कायम किया, एक पार्क बनवाया अल्लाह के नबी। शाम को अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाया करते, असर के बाद के बच्चों का घुमाना, इनकी फ्रेश करना, इनके जहन को फ्रेश करना, परे से चला आ रहा तफरी मकाम। सारा दिन जबेलों के अंदर फंसे रहते हो, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त। और मैं सुसर से या सास साहबा को बैठी हो अर्ज करूंगा, जब तुम्हारा बच्चा शाम को थकार के आए और बहू सारा दिन काम काज करके थक जाए, थोड़ा सा इन्हें हंसने का मौका जरूर दिया करो, थोड़ा सा। यहाँ तो कुदरती बात है, अगर छोड़ा बढ़ जाएगा बच्ची के कमरे में है तो बहन आवेगी यार बंदा नहीं लेने वास्ते, भाई आवेगा तेरे मोटरसाइकिल की चाबी तो नहीं देखी, अम्मा कहेगी तेरे मैंने सरोता तो नहीं देखा, यानी उनका बैठना मुश्किल कर देंगे। अब्बा भी है ना, अब्बा छोरा, वो भी जान जान के खांसता रहेगा, और कहाँ बढ़ गया, निकलता क्यों नहीं बाहर, आ जाए बाहर, बैठा रहेगा लुगाई के। फिर सारे जाएंगे सुबह चौक कुरैशी, खाला पर्दे में जावेगी, और अब्बा जी अजरत जी सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अजी जद से हमारी बहू आई ना हमारे घर में, हमारा बच्चा तो हमारे लिए आता ही नहीं, परे परे फिरे, पता नहीं क्या गोल के पिलावे हमारी बहू से, वही उसने गोल के पिलाया जो तूने अपनी को पिलाया था, जो 10 बच्चे जिसने दिए थे वही पिलाया। और जब शादी हो जाए पीर जी दुआ देंगे, जिस विरासत पर, जिस जमीन पर, पैसे पर यूं 5 मुंह वाले नाग बन के बैठे हो, बच्चे बुढ़े हो गए, बीवी को खांसी हो रही, दवाई लावेगी, लाऊंगी अब्बे ते पैसे ले ले, पर चोट नहीं कह रहा, ससुराल जाऊं अब्बे ते पैसे ले ले, बच्चों के स्कूल की फीस, अब अब्बा ना हुआ है तो आदम बो हो गया घर के अंदर बैठा, ते 2 रोटियां खाओ कभी अपने कमरे में बढ़, तुझे क्या जरूरत बो के कमरे पढ़ने की, इनको खेलने दे, मौके दे। अब वो हर मर गिर मारे घर में तो ऐसा नहीं हो, तो अल्लाह ना करे मारे दौर में कोई नहीं था, है फुब्बी बिब्बी बताइए कभी तेने मेरा चेहरा देखा, मैं तो इनके बाप के आगे कभी बोलू नहीं थी, वो दौर जो था मेरी बहन 1947 का था, ये 2023 का है, वहां तो जनाजा भी रात के अंधेरे में उठता था, यहाँ तो माशाल्लाह जब तक पूरी तैयार होकर सतरंगे जोड़े पहनकर पूरे मुजफ्फरगढ़ का चक्कर न लगाए, तुझे तो आइसक्रीम कहीं नहीं मिलती मेरे आगे, इतने गैरत वाले लोग हैं, गैरत को पीछे बिठा रखा है पूरे मुजफ्फरगढ़ का चक्कर, हम बहुत गैरत वाले लोग हैं।